नमस्कार दोस्तों, ड्रूपल 7 इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि कैसे ड्रूपल 7 में थीम इंस्टॉल करते हैं। तो हमने इस थीम का यूज़ किया था ड्रूपल 7 में। आप इसको लाइव डेमो से इसका किस टाइप की ये थीम है आप देख सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कैसे ब्लॉक क्रिएट करते हैं। दोस्तों, जैसे इस थीम में ये जो रीज़न है, यहाँ पर ये ब्लॉक का यूज़ किया हुआ है, तो हम इस पैनल को क्रिएट करेंगे अपने लोकल मशीन में। देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं स्ट्रक्चर पे, ब्लॉक पे, दोस्तों ये देखिए वही रीज़न है जहाँ पर हम ब्लॉक अपना रखने जा रहे हैं। जो ब्लॉक हम क्रिएट करेंगे वो इन तीन रीजन में रखेंगे। तो सबसे पहले ऐड ब्लॉक, उसका टाइटल क्या देना है हमें, हम यही ले लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और उसकी बॉडी में हमें क्या रखना है, बॉडी में रख दिया, फुल HTML कर दिया। अब दोस्तों, यहाँ से रीज़न सेलेक्ट करना है आपको कि किस रीज़न पे वो ब्लॉक शो हो। तो हमें प्रीफेस फर्स्ट में दिखाना है, हमने सेलेक्ट कर लिया। पेज सेटिंग, दोस्तों किस पेज पे दिखाना है, हमें केवल होम पेज पे दिखाना है, इसलिए हम ओनली द लिस्टेड पेजेस पे क्लिक करेंगे। रेडियो बटन पे चेक करेंगे। उसके बाद फ्रंट के लिए दोस्तों, हम केवल यहाँ बस फ्रंट लिख देंगे इस तरीके से, तो ये केवल फ्रंट पे शो करेगा। सेव कर देते हैं ब्लॉक को। आइए चेक करें आया कि नहीं, देखिए आ गया। ठीक, अब एक और क्रिएट करते हैं। इसका रीज़न हम मिडिल वाला चूज़ करेंगे। वही रिपीट, होम पेज पे दिखाना है, फ्रंट, सेव, एक और क्रिएट करते हैं। बॉडी, इसका रीज़न सेलेक्ट करेंगे, प्रीफेस लास्ट, होम पेज पे दिखाएंगे, फॉर ओनली करंट पेज, सॉरी फ्रंट पेज। अब देखिए ये वो रीज़न जो भी मैं आपको दिखाया था, यहाँ से इस तरीके से ये प्रीफेस फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट, ये वो रीज़न है, ठीक है, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट। और ये जो वो ब्लॉक है जो आपने अभी क्रिएट किए, फर्स्ट मिडिल एंड लास्ट। ठीक, होम पेज पे चलते हैं। ये देखिए ये आ गए तीनों ब्लॉक हमारे, जैसा कि इस थीम में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये था ब्लॉक क्रिएट करके उसको रीज़न में कैसे दिखाना है इस तरीके से। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इसको हमें एडिट करना हो, तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके कन्फ्यूगर ब्लॉक करके आप इस पेज पे आ जाएंगे, और जहाँ यहाँ पर जो आपको एडिट करना है, एडिट करने के बाद सेव कर दीजिए। ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।